हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दावते रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल डोसा की रेसिपी, जो बहुत ही बेहतरीन बना है और क्रिस्पी बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कोलम राइस का इस्तेमाल किया है, जो हम रेगुलरली खाते हैं, तो उसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और इससे डोसे बहुत अच्छे बनते हैं। मैं हमेशा रेगुलर इसी चावल से डोसे बनाती हूँ। अगर आपके पास स्टीम राइस है तो आप स्टीम राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने चावल 1.5 कप लिए है, और उसके बाद हमने यहाँ पर उड़द दाल ली है 1/2 कप, और उसके बाद यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून मेथी दाना लिया है। इससे अच्छा सा फर्मेंटेशन होता है बैटर का, इसलिए हमने यहाँ पर मेथी दाने का भी इस्तेमाल किया है। तो इसको हमें भिगोना है पानी में अच्छे से। 2 से 3 मरतबा हम वॉश करेंगे राइस को भी और दाल को भी। अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें हमें पानी ऐड करना है। मैं आपको बताती हूँ, दाल और चावल को हमने अच्छे से धो लिया है, 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश किया है, और इसमें हमने पानी ऐड किया है। राइस में भी हमने 2 कप पानी ऐड किया है, और इसमें भी हमने 1 कप पानी ऐड करके इसको भी हमने दाल को भी भीगने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसे ओवरनाइट ऐसे ही भीगने के लिए रख देते हैं। हमने देखिए इस तरह से इसको ओवरनाइट रख दिया था। चावल भी अच्छे से हमारे फूल चुके हैं और दाल भी अच्छे से हमारी फूल चुकी है। बताती हूँ मैं आपको, देखिए दाल कितने अच्छे से फूली हुई है। और इसी पानी में जो हमने यहाँ पे पानी है जो इस्तेमाल किया है दाल और चावल को फुलाने के लिए, तो इसी पानी से हमें इसे पीसना होगा। चावल को भी हम पीसेंगे इसी पानी से और दाल को भी हम इसी पानी से पीसेंगे, क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए ये अगर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये फर्मेंटेशन आसानी से होगा। चावल को हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है, और हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। जो चावलों को हमने भीगने के लिए रख दिया था वही पानी हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये इतने पानी में पीसा नहीं गया तो हम इसमें थोड़ा सा वही पानी ऐड करेंगे। मैं आपको बताती हूँ हमें किस तरह से पीसना है। चावल को हमने पीस लिया है, बारीक पीस दिया है, और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। चावल को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़े पानी में ही हमने इसको पीस लिया है। लेकिन पीसा है इसको हमने इस तरह से कि उसमें जिस तरह से कि जो एकदम जो बारीक वाला रवा होता है उस तरह से हमने इसको पीसा है। बारीक पीसा है लेकिन बारीक रवे की तरह पीसा है, ताकि जो हमारे डोसे बनेंगे अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही चाहिए ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो और यहाँ पर हमने देखिए दाल को भी पीस लिया है, तो दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। दाल को भी हमने बारीक पीस लिया है, तो दाल को भी हमने इसी में डालना है। हमने दोनों बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हमें एक ही डायरेक्शन में इस तरह से 5 मिनट अच्छे से घुमाते रहना है, ताकि इस बैटर में हवा भर जाए और ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। देखिए इस तरीके से हमें इसे इस तरह से चलाते रहना है, एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। हमने अच्छे से इसको फेंट लिया है, और अब हम इसको ढककर किसी गर्म जगह पर रखेंगे, जैसे कि कबर्ड हो या फिर बंद ओवन में भी आप इसे रख सकते हैं। 6 से 8 घंटा हमें इसी तरह इसको ढककर रखना है। बैटर देखिए हमारा अच्छे से फर्मेंट हो गया है, हल्के हल्के बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए कितना अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है और अच्छा सा फर्मेंट हो गया है। बैटर में हमें नमक ऐड करना है, और इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अभी कैसी है, ये थोड़ी सी थिक है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करना है स्वादानुसार, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम आलू मसाला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी है, और इसी तरह होनी चाहिए ताकि हमारा जो डोसा बनेगा ये अच्छा सा क्रिस्पी बनेगा। तो अब हम इसे बैटर को साइड में रख देते हैं और आलू मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है, और बर्तन में हमने 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। 2 लहसुन को हमने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे राई। यहाँ पे हमने लिए है राई 1 टीस्पून। गैस की फ्लेम को हमने लो रखा है, और लो फ्लेम पे हमें
आलू मसाला तैयार करना है ताकि ये तले में लगे नहीं या फिर चिपके नहीं, इसका हमें ध्यान रखना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। अगर आप लहसुन नहीं खा रहे होगे तो इसकी जगह पर आप अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, तीन मिर्चों को हमने इस तरह से स्लिट कर लिया है और पीसेस में कट कर लिया है। और अब हम इसमें चॉप कटी प्याज ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज के प्याज को हमने चॉप कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक साइड में हींग, हमने यहाँ पे 1 चुटकी हींग लिया है, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून लिया है, और नमक स्वाद अनुसार लेना है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक, हल्का सा सॉफ्ट करना है प्याज को, ज़्यादा नहीं, और सॉफ्ट होने तक इसी तरह चम्मच से चलाते रहेंगे। प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मीडियम साइज का 1 टोमेटो। इसको हमने हल्का सा इस तरह से चॉप काट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं काटा है इसको, और इसको भी हम अच्छे से चला लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करेंगे ताकि इसका जो स्वाद है ये बढ़ जाए। टमाटर को हम थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं। टोमेटो को हमने सॉफ्ट कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। यहाँ पर 3 आलू को हमने नमक डालकर बॉईल कर लिया और उसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और अब हम इसको आलू को इसमें डाल देते हैं। फिर से हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट इस तरह से हमने इसको स्टर कर लिया है। और अब हम आलू के साथ इस तरह से, ये जो आलू मसाला हमने रेडी किया है इसको हमें मैश करना है, इस तरह से हमें मैश करना है। हल्का हल्का हम मैश करेंगे। मैश करने से क्या होगा कि जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना आलू मसाला, उसी तरह से इसका टेस्ट आएगा। फिर से हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, मिला लेंगे। देखिए बिल्कुल लग रहा है ना रेस्टोरेंट स्टाइल। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और डोसा बनाने की तैयारी कर लेंगे। हमने नॉनस्टिक तवा लिया है और तवा हमारा बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, अगर गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करना है। ये जो हमने अभी तवा हल्का ही गर्म किया है, ज़्यादा गर्म नहीं किया है, तो अब हम बैटर को इसके ऊपर पोर करेंगे और इस तरह से फैलाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। डोसा देखिए ड्राई होने तक हमने गैस की फ्लेम को मीडियम की रखा था और अब हमने गैस की फ्लेम को लो किया है ताकि डोसा जो है वो अच्छा सा क्रिस्पी बने। और अब हम ऊपर से हल्का सा ऑयल इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे और इस तरह हल्का हल्का इसको फैलाएंगे। और अच्छे से सेकने का वेट करेंगे। अब हम आलू मसाला लेकर इसे इस तरह से सेंटर में रखेंगे, जिस तरह से हम रेस्टोरेंट में इसी तरह खाया जाता है और इसी तरह ये हमें मिलता है। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। और अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है और क्रिस्पी लग रहा है और बना है क्रिस्पी, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है।
समोसा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। हमने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे सांबर के साथ भी इसका मजा ले सकते हैं। और सांबर की रेसिपी मैंने अपने आई बटन में डाल दी है, तो आप वहां से देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक डाल दिया है। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है डोसा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट जरूर करना, और आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।